हेलो फ्रेंड, मैं आज बहुत ही कमाल का कार बनाने वाला हूँ। कार बनाने के लिए इस तरह एक पेपर का टुकड़ा ले लेंगे और पेपर का टुकड़ा जो बचा हुआ हिस्सा को कैंची के माध्यम से काट लेंगे और रोल को फेविकॉल के माध्यम से चिपका देंगे। इस तरह दो रोल बना लेंगे और फ्रेंड इस दोनों फ्रेंड को इस तरह सटा लेंगे। सटाने के बाद इस रोल को यहाँ पर लगाएंगे आगे तरफ और ग्लू गन के माध्यम से इसे फिक्स कर देंगे। आप फेविकॉल का भी यूज कर सकते हैं या तो फेविकेप का भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड इसे अच्छी तरीके से ग्लू लगा लेते हैं ताकि ये मजबूती बन जाए, बार बार खोल ना जाए बाद में। और फ्रेंड इस रोल को इस कैंची के माध्यम से बीचों बीच कटिंग कर लेंगे। इस तरह कुछ इस तरह दिखेगा और कुछ इस तरह करके इसे फिक्स कर देंगे ग्लू के माध्यम से इस तरह करके। चलिए ग्लू गन के माध्यम से इसे फिक्स कर देते हैं अच्छी तरीके से ताकि बाद में दिक्कत ना करे। इस तरह करके इस तरह करके फिक्स कर देंगे और इस साइड भी इसे फिक्स कर देंगे ग्लू के माध्यम से। तो फ्रेंड मेरा फाइनली दोनों साइड रोल अच्छी तरीके से मजबूती से फिक्स हो गया है। तो फ्रेंड इस तरह बोतल का कैप ले लेंगे चार ठो और दो तीन के ले लेंगे जो आपको अगरबत्ती में इस तरह मिल जाएगा और इस तरह रोल में पार कर लेंगे और कैप को लगा लेंगे। इस तरह कैप को लगाएंगे और ग्लू गन के माध्यम से इसे मजबूती कर देंगे कैप को। चलिए जल्दी जल्दी चारों कैप को लगा लेते हैं। और फ्रेंड मेरा जो बचा हुआ तिनके है इसे कटर के माध्यम से कटिंग कर लेंगे। आप इसे कैंची से भी काट सकते हैं इस तरह करके और यहाँ पर भी ग्लू लगा लेंगे अच्छी तरीके से ताकि मजबूती बन जाए और खोलना और हाई स्पीड में ये कार चलने लगे। और इस तरह तिनके आगे में फिक्स कर देंगे कार मजबूती के लिए। ग्लू गन से इस तरह लगा लेंगे मजबूती के लिए। इस तरह आप तिनका लगा सकते हैं, थोड़ा आगे पीछे भी लगा सकते हैं। और फ्रेंड ये कार ऑटोमेटिक चलने के लिए इस तरह दो रबड़ को जॉइंट कर लेंगे और यहाँ पर लगाएंगे पीछे में। इस तरह इसे बांध लेंगे अच्छी तरीके से मजबूती से, थोड़ा खींच लेते हैं मजबूती के लिए। और ग्लू गन से इसे फिक्स कर देंगे इस तरह। चलिए फ्रेंड मेरा फाइनली ये फिक्स हो गया है। चलिए इसे आगे तरफ फंसा देते हैं इस तरह करके फंसा देंगे और ये चाक में लगा देते हैं पीछे वाला चाक में रबर, ताकि ये चाक जो स्लिप ना करे चलते समय, अच्छी सी ये वर्क करे। तो फ्रेंड मेरा फाइनली ये कार तो रेडी हो चुका है। इस रबर को लगा लेते हैं और चलिए इसे टेस्ट करते हैं। पीछे तरफ इसको खींचेंगे तो ये बहुत ही दूर तक भागेगा जितनी।